अक्सर आपने सुना होगा, मीडिया के जरिए भी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी भाग गई। आप देखो 32 सीट भाजपा की थी पहले चुनाव में, और भाजपा नैतिकता के दुहाई देकर के सरकार बनाने से मना कर दिया। ऐसा नहीं कि वो नैतिक वास्तविक में है, उनकी नैतिकता दिख गई महाराष्ट्र में, उनकी नैतिकता दिख रही जम्मू कश्मीर में। तो 32 की संख्या के बावजूद सरकार बनाने से इसलिए मना किया था कि उस वक्त लोकसभा चुनाव में नैतिकता दिखानी थी और आपको बेवकूफ बनाना था। फिर दूसरी बड़ी पार्टी उभर के उभरी थी आम आदमी पार्टी 28 सीट लेकर के, ये दायित्व उनके ऊपर आया। जब भाजपा अपने दायित्व से भाग गई तो जब आम आदमी पार्टी के ऊपर दायित्व आया तो इस पर, इसके पहले कि आम आदमी पार्टी डिसाइड करती, कांग्रेस के 8 सदस्यों ने एलजी साहब के पास लिख के भेज दिया कि हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार को बिना शर्त समर्थन देंगे। और फिर टीवी पे शुरू हो गया कि आम आदमी पार्टी इसलिए सरकार नहीं बनाना चाहती क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हैं पूरे नहीं कर सकते, और इस तरह से उन्होंने घेरना चाहा। फिर हमने दोनों पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस दोनों को, दिल्ली वासियों के 18 मुद्दों पे उनके राय जाननी चाही कि क्या वो हमारा साथ देंगे अगर हम सरकार बनाते हैं। तो भाजपा फिर भाग गई, भाजपा को आपके मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं, भाजपा ने अपने विचार तक नहीं दिए कि वो क्या करेंगे आपके 18 मुद्दों पे। कांग्रेस ने कहा हाँ हम आपका साथ देंगे, बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमने सरकार बना लिया और जब हम काम ऐसे करने लगे कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर FIR के ऊपर FIR होने लगे, आपको याद होगा, तो इनको लगा कि ये तो वास्तविक में ईमानदार है, ये तो असली ईमानदार है। इस करके जब जन लोकपाल बिल विधानसभा हमने लाने की कोशिश करी तो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता और भाजपा के भ्रष्ट नेता दोनों मिल गए और कहा जन लोकपाल बिल हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको डर था इसके पास होते के साथ ही दोनों के भ्रष्ट नेताओं के नया एड्रेस होने वाला था वो तिहाड़ जेल का। इस कारण से दोनों मिल गए और खुद को कहा कि हम तो 40 हैं, तुम 27 हो, कैसे पास कर लोगे। अब बताइए हमारे पास क्या चारा था। सरकार चलाने का मतलब होता है आपके पास संख्या होनी चाहिए। इस करके हमने रिजाइन करके इसलिए रिजाइन किया था कि वापस पूर्ण बहुमत से आएंगे और 5 साल सेवा करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि ये तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और फिर पहले कांग्रेस भागी चुनाव से और 16 मई से आज तक भाजपा भाग रही चुनाव से। कौन हुई भगोड़ी? भाजपा पहली बार दायित्व से भागी तब भगोड़ी हुई, दूसरी बार दिल्ली वासियों का 18 मुद्दों पे जवाब देने से भागी, दूसरी बार भगोड़ी हुई, तीसरी बार चुनाव से भाग रही है। कौन भाग रहा है आखिरकार चुनाव से? हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और हम आपकी सेवा 5 साल करके दिखाएं कि किस तरह से सरकार चलती है, किस तरह से जनता का मालिकाना हक उनको वापस किया जाता है। इस बार आपसे गुजारिश है पूर्ण बहुमत दीजिएगा, पूर्ण बहुमत दे करके हमें 5 साल का आप मौका देंगे और 5 साल में हम आपको दिखा पाएंगे कि सेवा किस कदर होती है। जय हिंद।